नमस्कार, मैं हूं समीर परवेज और आप देख रहे हैं अपना चैनल फन टीवी। चलिए डालते हैं खबरों पर नजर। एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत पांच लोगों को डेंगू होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ठाकुर मंदिर के समीप रहने वाले शोभित, उसकी पत्नी रेवा, 7 वर्षीय पुत्र रिदम, 10 वर्षीय पुत्री अविका, 2 दिन पूर्व शरीर में कमजोरी, थकान, चकते एवं बुखार होने पर नगर के सिंगल नर्सिंग होम में इलाज के लिए आए थे। डॉक्टर सिंगल ने प्रारंभिक लक्षण देखने के बाद चारों की लैब में खून की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में चारों में डेंगू पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर सिंगल ने उन्हें उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया। इसी दौरान सितारगंज में तैनात जसपुर निवासी शिक्षिका नीरज चौहान को भी डेंगू पॉजिटिव होने पर भर्ती किया गया है। नीरज को सितारगंज से ही डेंगू का संक्रमण हुआ था। वहीं डेंगू से ग्रसित एक ही परिवार के चार सदस्यों में से एक रेवा ने डेंगू होने पर सरकार और सरकारी अस्पतालों तथा नगर पालिका की बड़ी लापरवाही बताया है। हम लोग को पहले नॉर्मल बुखार आया, थोड़ा बहुत दवाई वगैरह ली, कोई फर्क नहीं लगा। फिर टेस्टिंग कराई, पहले मैंने अपने हस्बैंड की कराई डेंगू की, तो वो पॉजिटिव आई। फिर जब ये देखा गया तो बच्चों की और अपनी भी कराई मैंने, वो भी पॉजिटिव आई। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। अस्पताल में हम इलाज के लिए इसलिए नहीं गए कि वहाँ जाने का कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। वहाँ वो लोग अभी छोटी मोटी दवाइयाँ लिख देते और इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए हम प्राइवेट में। तो क्या कहना चाहते हैं डेंगू के प्रति सरकार से या क्या? डेंगू के प्रति गवर्नमेंट सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ छिड़कवाई जाएँ मच्छरों को मारने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी महामारी बनता जा रहा है। लोग इसके होने पर और इससे इफेक्ट होने पर और बाकी लोग सुन के ही इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई किसी भी बंदे से जाके पूछ लिया जाए कि कहीं पर सफाई चल रही है, दवाइयाँ छिड़की जा रही है, कोई दवाइयाँ कुछ नहीं छिड़की जा रही है। सिंगल नर्सिंग होम में डेंगू के मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर सिंगल ने बताया कि एक ही परिवार के चार मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिससे यह महसूस होता है कि जसपुर में भी डेंगू ने अपने पांव पसार लिए हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने डेंगू के मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। डॉक्टर सिंगल ने बताया कि डेंगू होने पर मरीजों के प्लेटलेट्स कम होने के साथ साथ व्हाइट सेल्स भी गिर जाते हैं, इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे अन्य बीमारी शरीर में घुसने का खतरा बना रहता है। ये कल एक मरीज शोभित मेरे पास आया था तीव्र बुखार से और उसे जांच में डेंगू पॉजिटिव पाया गया। उसके परिवार के तीन और मरीज, उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ, उनका भी इलाज पिछले 2 दिनों से चल रहा था। जब इसमें पाया गया तो उनका टेस्ट भी कराया गया और उसमें भी डेंगू पॉजिटिव आया है। तो ये पहला मामला जसपुर का जिसमें जसपुर के ही रहने वाले कोई बाहर ना गए हों व्यक्ति। इससे सीधा इसका मतलब यह है कि जसपुर के अंदर डेंगू कहीं ना कहीं अपने पैर लगा चुका है और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परिवार के 4 व्यक्ति आए हैं इसने गंभीर मामला। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से जो छिड़काव कीटनाशकों का होता था वो अभी नहीं हो पा रहा, वो होना चाहिए और नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, तभी इस रोग की हम रोकथाम कर पाएंगे। सरकारी अस्पताल में भी सर देखने में आया है कि वहाँ पे ज़्यादातर मरीज रेफर कर दिए जाते हैं बजाय उपचार के, तो इस प्रक्रिया में किस तरीके का आप मदद लेंगे या किस तरीके से सरकार के अधिकारियों को अवगत कराएंगे? मैं ऑलरेडी CMO को अवगत करा चुका हूँ कि जितना कमिटमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स में होना चाहिए स्टाफ का, वो कमिटमेंट मरीजों के प्रति नहीं है। जो हमारे बुखार के मरीज आ रहे हैं, तीव्र बुखार के मरीज आ रहे हैं, उसको एज आउटडो पेशेंट ही ट्रीट किया जाता है जनरली, पर अगर हम उसमें ढूंढना शुरू करें तो कहीं ना कहीं इस तरह के रोगी वहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगे और उसके लिए फिर मरीजों को दाखिल करने की आवश्यकता है, पर वो जो कमिटमेंट होना चाहिए मरीजों के प्रति वो उतना नहीं। उधर डेंगू के मरीज मिलने की सूचना पर अस्पताल प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन में खलबली मच गई है। उत्तराखंड में बड़े शहरों के बाद अब डेंगू अपने पैर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में पसार रहा है। जसपुर के ग्राम वीरपुरी निवासी राजा राम की मुरादाबाद में उपचार के दौरान डेंगू से मौत हो चुकी है, जबकि पिछले माह मोहल्ला नई बस्ती निवासी 2 युवक डेंगू से पीड़ित होकर निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। नगर में अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 7 हो गई है, जबकि 1 पीड़ित की डेंगू के चलते मौत हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए कितने
जरूरी और कारगर उपाय करेंगे जिससे डेंगू के डंक से जनता को निजात मिल पाए। कैमरामैन राजवीर के साथ समीर परवेज, फन टीवी, जसपुर। जसपुर की ताजा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर फन टीवी जसपुर लॉगिन करें, सब्सक्राइब करें।